स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, जिसका चल रहा है अभी हिस्ट्री। हिस्ट्री से पहले मैंने साइंस पूरा कंप्लीट कर लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कंप्यूटर कंप्लीट है, और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी सिविक्स सारे कंप्लीट है, बस हिस्ट्री बचा हुआ था। तो हिस्ट्री में भी आपका 8वां एक्सरसाइज तक कम्प्लीट है, 9वां पढ़ रहे हैं। 9वां में पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल का भी पहला जो था राजपूत वंश वो भी कंप्लीट है। अब दक्षिण भारत में 50 तक के प्रश्न हम कम्प्लीट कर लिए थे। ये दक्षिण भारत या पूर्व मध्यकाल होता क्या है, 650 ईस्वी से लेकर दिल्ली संतलक तक मीन्स 1206 ईस्वी तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल। तो इसमें अभी हम 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे उसको देख लेना। आज का पहला प्रश्न है, गोपुराम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण के स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है। फिर से रिपीट करता हूँ, गोपुरम या मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है। ये आपका मिलता है कांची के कैलाशनाथ मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले, ये मिला था कर्नाटक में, कर्नाटक में। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक उसके शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे। फिर से रिपीट करते हैं इसको, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे, मींस जब राजा जिंदा रहता था तभी घोषित कर दिया जाता था कि अब आगामी राजा कौन बनेगा। यह है चोल, चोल के टाइम में ऐसा होता था। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, तकोलम का युद्ध हुआ था, ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। देखो ये जो अभी हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, ये अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उसमें अधिकतर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया जाता है, एलोरा गुफाओं का निर्माण होता है राष्ट्रकूटों ने करवाया था, राष्ट्रकूटों के द्वारा। द्रविड शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य, अभी हम पढ़े थे गोपुरम से मेन मतलब है कि मुख्य द्वार, राइट, लेकिन यहाँ के अनुसार तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिले भवन से, गोपुरम से क्या तात्पर्य है कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिल भवन से। यहाँ से एक आपको याद रखना है कि द्रविड़ शैली क्या है, एक मंदिरों की शैली है। एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किस धर्म से, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये है हिंदुओं बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन का विशेषता क्या था, इसका विशेषता था कि ग्राम प्रशासन की समन्वयता, ग्राम प्रशासन की समन्वयता। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, चोल का राज्य फैला हुआ था कोरामंडल तट और दक्षिण के कुछ भाग। कोरामंडल है दक्षिण मीन्स यहाँ पे गोवा से लेकर मीन्स साउथ इंडिया में कर्नाटक तक, कर्नाटक तो नहीं बोल सकते, कन्याकुमारी तक मिल लिया ये कोरामंडल। और इसके अपोजिट क्या है, इस देखो ये साउथ इंडिया है और ये क्या है नॉर्थ इंडिया है, इस साइड वाले पार्ट का कोरोमंडल और इसे होता है मालाबार तट, ठीक ना। तो मैं शायद गोवा बोल दिया था, ये क्या है मालाबार तट है, इस साइड जो होता है ये होता है कोरामंडल, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कौन सी मूर्ति, सबसे अधिक विख्यात हुई चोल के समय में जो बना था, उसमें था नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। अगर ये आपका इसका ओरिजिनल फॉन्ट देखना है तो ये कहाँ पे है, नेशनल म्यूजियम है एक दिल्ली में, हालांकि उसमें आग लग गया था पिछले से 2 वर्ष पहले, पर अभी भी ये सब सुरक्षित है। चोल युग प्रसिद्ध था, निम्न में से किसके लिए चोल प्रसिद्ध था, ग्रामीण सभाओं के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए। वो आग का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं जब घूमने गया था वहाँ पर तो मैं घूम के आया था, उसके 2 दिन के बाद ही उसमें आग लग गई थी, तो काफ़ी रिसेंट मूवमेंट था वो। नेक्स्ट है हमारा, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ पर देवालय की स्थापना की थी, विजय स्तंभ पर देवालय की स्थापना हुई थी कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय के द्वारा। वेनिस यात्री मार्क पोलो जो 1288 से लेकर 1293 तक रहे हैं के पांड्य राज्य में भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, ये थे मारवर्मन कुलशेखर। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था,
ये काफ़ी कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। फिर से रिपीट करता हूँ इसको, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने मान्य खेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? ये बनाया गया था अमोघ वर्ष के द्वारा, अमोघ वर्ष के द्वारा। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? कविराज मार्ग की रचना की थी अमेघ वर्ष, अमोघ वर्ष के द्वारा। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था, मीन्स प्रधान को क्या कहा जाता था? ये था राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। प्रांत का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति के काल माना जाता है? ये माना जाता है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। अच्छा, अगर प्रश्न ये आए, संविधान से ये प्रश्न है हालांकि, कि भारत का सबसे प्रथम व्यक्ति कौन सा है, तो क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकुल कलीन कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न में शामिल नहीं था, इनमें से कौन सा कन्नड़ त्रिरत्न में शामिल नहीं था? तो सायन शामिल नहीं था, जबकि रन, पुन्न और पंप ये तीनों शामिल था। यहाँ पे सुमेलित करना है ग्रंथाकार, मीन्स जिसने लिखा, और इसमें से ये ग्रंथ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सुमेलित करना होता है। तो इसमें पंप है आदि पुराण, पंप आदि पुराण, पुन्न है शांति पुराण, रन अजिता पुराण, और शक्टायन अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ से मिलते हैं? ये मिलता है एलोरा और एलिफेंटा दोनों से। राष्ट्रकुलीन स्थापत्य कला का नमूना एलोरा और एलिफेंटा दोनों जगह से मिलता है। आंसर है यहाँ पे सी। रावण की खाई दशावतार कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं? रावण की खाई दशावतार और कैलाश गुफा मंदिर, ये सब कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपका एलोरा में, एलोरा की गुफाओं में। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी, धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? ये है एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र मुंबई, हम लोग याद करते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मीन्स इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना होता है। तो चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ये सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशियाओं के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, ये दोनों यहाँ पे क्या है, सही है। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? हलेबिड तथा बेलूर में, हलेबिड तथा बेलूर में, ये कहाँ पे है? कलकत्ता में है। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ये किए गए थे बेंगी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य के द्वारा चोलों ने ऐसा साम्राज्य स्थापित किया था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवीकृत प्रायः कैसी थी? ये थी चतुर्भुज, चतुर्भुज। चोल साम्राज्य का संस्थापक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। विजयालय, विजयालय चोल साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं। सुगंध वृत्त या करों को काटने वाला को क्या कहा जाता था? सुगंध वृत्त की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? ये किया गया था राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय। ये करों में काफ़ी कटौती किए होंगे, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, मीन्स इन्होंने कर को काटा, ऐसा इनको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80 नंबर, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पे ग्रंथ दिखा गया है और फिर ग्रंथाकार, तो पुरियान पुरम इसके भी हैं क्या है, सेकिलार। बीर सोलियम ये हैं बुद्धमित्र, और कलिंग तूरणी ये हैं जय गोविंदन। हो सकता है ये प्रश्न आप लोगों को हार्ड लग रहा हो, हार्ड है तो हार्ड लगना भी चाहिए, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ लो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, पर ये इस एक्सरसाइज से आपका जो पहला इसका सेट था इससे प्रश्न आते हैं, पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं इससे बहुत कम आने के चांस होते हैं, तो थोड़ा एक बार बस देख लो ओवरव्यू के लिए, लेकिन ज़्यादा इसको रटना नहीं है, ठीक ना, ये प्रश्न अधिक पूछे नहीं जाते हैं। फिर 81 नंबर प्रश्न है, चोल राज्य की राजधानी तंजोर को बनाने वाला कौन था? चोल की राजधानी तंजोर किसने बनाया था? यह है विजयालय, विजयालय जिन्होंने चोल साम्राज्य का स्थापना किया था। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसके सामंत था, मीन्स पहले सामंत मतलब तो अधीन, वो किसके अधीन था? पल्लव के अधीन था, पल्लव। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना
कब की थी, ये किया गया था 846 ईस्वी में, 846। किस चोल शासक ने चिदंबरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था, ये करवाया गया था परातक प्रथम, परांतक प्रथम के द्वारा। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ भारत, सॉरी फिर से रिपीट करते हैं, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने का परस्पर परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, ये किया गया था राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम। इसको फिर से रिपीट करते हैं, अच्छा प्रश्न था, 1 मिनट। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, राज राजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, ये थे राजा राज प्रथम, राज राजा प्रथम। राज राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोलमंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया और मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया था, ये बनाया गया था पोल नुआ, पोल नुरुआ। चोल की पहले सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने पर नौसेना का गठन का श्रेय किसको दिया गया था, ये था राज राजा प्रथम, क्योंकि इन्होंने ही श्रीलंका पे विजय स्थापित किया था। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया, इनका स्टार्टिंग किसे किया था, वो मालदीव को जीता था, ये थे राज राजा प्रथम। कभी भी भारत से बाहर अगर आइलैंड पे आक्रमण हुआ तो वो राज राजा द्वारा किया गया था। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था, ये करवाया गया था राज राजा प्रथम के द्वारा, भूमि का सर्वेक्षण पहली बार इनके द्वारा करवाया गया था। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था, ये भी उन्हीं के द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। देखो इस पे पहली बार आक्रमण कौन किया, राज राजा, पर पूरी तरह से श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया राजेंद्र प्रथम, ये हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं ये प्रश्न। किसने चिदंबरम के निकट गंगे कोंड चोलपुरम बसाया और अपनी राजधानी बनाई थी, ये बनाया गया राजेंद्र प्रथम के द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेशों से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही उसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ डाला कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में क्या है, जैसे ऊपर का पार्ट क्या हो गया उत्तर हो गया, नीचे नॉर्थ, नीचे का क्या हुआ साउथ। इससे पहले क्या होता था कि दक्षिण का जो साम्राज्य होता था वही, सॉरी नॉर्थ का जो मीन्स उत्तर का जो साम्राज्य होता था वही दक्षिण पे आक्रमण करता था, लेकिन कौन सा दक्षिण का शासक था जो उत्तर पे आक्रमण करके उसको विजय कर लिया, ये था राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमुत्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुर्ग वर्मा को पराजित किया था तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडाडम या आधुनिक जिसे कोदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था, यह किया गया था राजेंद्र प्रथम। याद रखना जब भी नौसैनिक की बात आए, नौसैनिक जैसे आइलैंड पे कहीं भी गए तो राज राजा और राजेंद्र प्रथम पे ही टिक लगाना होता है। किसने 1077 में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था, ये किनके द्वारा भेजा गया, यह है कुलोतुंग चोल प्रथम, कुलोतुंग चोल प्रथम के द्वारा। यहाँ पे फिर से आपको सुमेलित करना है, चोल प्रशासन के संबंध में दिया गया है, तो यहाँ पे पोरुंदरम ये उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग के थे, सिरुतरम ये निम्न वर्ग के अधिकारी थे, ओलोनायकम ये मुख्य सचिव थे और विधायाधिकारी ये प्रेषण लिपिक थे, यहाँ पे ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट फिर से आपको सुमेलित करना है, यहाँ पे चोल कालीन प्रशासन के विभाजन है और यहाँ पे उसके समतुल्य मीन्स इसके बराबर का वहाँ पे कौन था, ये आपसे दिया गया है। यहाँ पे मंडलम का प्रांत है, बालनाडु का कमिश्नरी, नाडु मीन्स जिला और कुर्रम मीन्स ग्राम समूह, ये नाम बस चेंज थे। फिर आपको सुमेलित करना ही है सूची 1 और सूची 2 में, उरार ये उर ग्राम मीन्स सामान्य ग्राम सभा को कहा जाता था, सभा या महासभा पेडुगुड़ी
यहाँ पे चतुर्वेद मंगलम ब्रह्म मीन्स ब्राह्मणों को दिया जाने वाला गांव था। नगरम का मतलब था नगर में व्यापारियों की सभा, और पुग मीन्स शिल्पियों की सभा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? महासभा के कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था, ये प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है। वैडियम, वड़ियम। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? विस्तृत जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर। चोल काल में कडेम का अर्थ क्या होता है? वन मिनट। चोल काल में कडेम का अर्थ क्या होता है? ये होता था भू राजस्व या लगान। चोल काल में नौसैनिक को सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? नौसैनिक का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? ये हुआ था राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो ये था इस वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अब हमारा दिल्ली संतलत का कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको हम कंप्लीट करेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है और डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइए, और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।